जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय क्वारंटाइन प्रबंधन समिति के साथ ली बैठक। लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कई निर्देश दिए गए थे। वहीं आज अटल सेवा केंद्र में जिला स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर समिति के साथ बैठक ली गई, जिसमें अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस पर क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं, उनमें जो पैदल चलकर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। वहीं आज जिला स्तरीय क्वारंटाइन समिति के साथ बैठक ली गई थी, जिसमें सभी जन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे और बैठक में क्वारंटाइन सेंटर प्रवासी मजदूर के साथ पेयजल को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें सभी जन प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव भी दिए जो कि सरकार तक भिजवाए जाएंगे। वहीं बैठक के बाद उत्तर विधानसभा विधायक वासुदेव देवनानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्वारंटाइन सेंटर और कोरोना को लेकर आज बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के चंद मुद्दों को सबके सामने रखा। वहीं बैठक में कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी 2-3 दिन पहले वीसी ली थी और उसमें ये निर्देशित किया था कि क्वारंटाइन सेंटर्स जो बन रहे हैं वो गाँव में जो व्यक्ति बाहर से प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं उन पे सभी का क्वारंटीन किया जाना सुनिश्चित कराएं और इसके साथ साथ पेयजल से संबंधित जो भी बिंदु हैं उसके संबंध में जनप्रतिनिधियों से एमएलए से एमपी से चर्चा करें। उसी के क्रम में कल सभी उपखंड अधिकारियों ने उपखंड स्तरीय मीटिंग करके सभी जनप्रतिनिधियों एमएलए से साथ उन्होंने चर्चा किया। आज जिला स्तरीय कमेटी की हमने बैठक की और जो भी बिंदु थे क्वारंटीन के बारे में होम आइसोलेशन के बारे में उनसे हम लोगों ने विस्तृत विचार विमर्श किया। उनके जो भी सुझाव थे वो हम सुझाव गवर्नमेंट को भेज देंगे और जल पेयजल के संबंध में जो उन्होंने अपनी डिमांड्स रखे हैं वो भी हम सरकार को अवगत कराएंगे और उसके जल्द से जल्द समाधान कराएंगे। सर, टिड्डी दल को लेकर भी चल रहा है, गंडक काफ़ी संख्या में आ चुके हैं और फसलों का नुकसान हो रहा है। टिड्डी दल में हमारी टीम्स लगी हुई है, सभी एसडीएम्स को हमने निर्देशित किया हुआ है, पटवारियों को बोला है कि फील्ड में जाकर के उसके मुआयना करें और देखें कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ हमारे जो उपनिदेशक हैं एग्रीकल्चर और उनकी पूरी टीम ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स और इंसेक्टिसाइड्स और इसके साथ साथ हमारे फायर ब्रिगेड की टीम भी पूरी लगी हुई है। लगातार हम 4-5 दिनों से एक हफ्ते से जहाँ भी सूचना मिलती है टिड्डी के बैठने की वहाँ पे उनके ऊपर हमला करते हैं और काफ़ी सफलता भी मिली है। अभी कल ही कुछ दिनों पहले चिताखेड़ा गांव में बहुत सारी टिड्डियाँ आ गई थी, उसको हमने नष्ट कराया और कल मसूदा क्षेत्र में भी कुछ जगहों पे टिड्डी और पुष्कर वगैरह में भी रहते हैं, तो इन सभी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी किसानों का मुआवजा हुआ है नुकसान हुआ है उसको हम दिलाने की कोशिश करेंगे। आज क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर के और कोरोना से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर के आज जिला कलेक्टर में मीटिंग हुई, जिसमें मूल मुद्दे मैंने 4-5 मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा, पिछले समय से मेरे अजमेर उत्तर विधानसभा के काफ़ी मार्केट्स कर्फ्यू ग्रस्त हैं, इनको कर्फ्यू मुक्त किया जाए, उसमें विशेष रूप से मदार गेट स्टेशन चौराहे और साथ में नया बाज़ार चौपड़ तक की दुकानें खुली रहें, क्योंकि 2 महीने लोग दुखी हो गए और उनको आज इधर कोई संक्रमित मिला भी नहीं है और इनको कहा मूल रूप से ये चूँकि बीमारी लंबी चलनी है जहाँ संक्रमित मिले उस गली को या उस मोहल्ले को ही केवल कर्फ्यू ग्रस्त रखें और बाकी को इसमें परेशान जनता को न होने दें, इसको शुरू किया जाए। दूसरा मुद्दा, जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं इन्होंने अजमेर में 14 सेंटर्स बना रखे हैं, जिसमें कहीं 10 हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, इन सबका समन्वय बैठा करके इन सेंटर्स को कम किया जाए और विशेष रूप से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें MDS यूनिवर्सिटी है, आपका GCA कॉलेज है, मूक बधिर विद्यालय है, अविनाश महेश्वरी स्कूल है, ऐसे सब लॉ कॉलेज है, ऐसे सेंटर्स को मुक्त करके कायड़ में या फिर आयुर्वेद इस तरह के कुछ संस्थानों में ही इसको शिफ्ट किया जाए। तीसरा, पानी की समस्या को लेकर के चर्चा की कि पानी इस समय धीरे धीरे अजमेर समस्या बनती है, जितना अलॉटेड पानी नहीं मिल रहा, प्रेशर से नहीं मिल रहा, टेल रेंट पे तो बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है, तब तक वहाँ टैंकर्स की व्यवस्था करें, साथ में प्रत्येक विधायक को 100 हैंडपम्प दिए जाएँ जिसके कारण उसके एरिया में खुद सके और पानी की नई जो पाइपलाइन है जहाँ छोटी है उसको बड़ी नई पाइपलाइन बिछाई जाए और जहाँ रिपेयरेबल है वहाँ रिपेयर किया जाए, हैंडपम्प को रिपेयर किया जाए, पानी की समस्या को टॉप पे ले जाए, उसके लिए आवश्यक हो तो बिजली की जो ट्रिपिंग है उसको भी चेक किया जाए ताकि ट्रिपिंग के कारण उसकी समस्या ना आए। और चौथा, जो सब्ज़ी बेचने वाले, इन दोनों अनाप शनाप खूब आ गए,
उसकी चेक किया जाए कोरोना का सैंपल टेस्ट लेकर के, और उस किट से टेस्ट करने के बाद उसके गले में एक अनुमति कि ये व्यक्ति संक्रमण से इनका टेस्ट हो चुका है, वह यदि करेंगे तो जनता को नहीं तो इससे काफ़ी संक्रमण जयपुर में ही फैला है, इसका संक्रमण अहमदाबाद में फैला है, अजमेर में न फैले, इसलिए इस काम किया जाए। इसके अलावा कई बिंदुओं पर चर्चा और हुई, लेकिन मूल रूप से चार बिंदु।